हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनेट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में क्या देखा हमने? इनर्शिया के बारे में देखा और उससे रिलेटेड हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस बनाए जो कैसे रहते हैं, नॉर्मल थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, 1 मार्क 2 मार्क्स में जो आपको पूछे। और हमने क्या देखा, एनसीईआरटी के जो अंदर के क्वेश्चंस रहते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बारे में बात करी। अब आगे बढ़ेंगे, ये वाला वीडियो किस पे बेस्ड रहेगा? मोमेंटम के ऊपर। सेकंड लॉ के बारे में देखेंगे और उसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन हम डिराइव करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो कौन सा पार्ट रहेगा? हमारा थर्ड पार्ट रहेगा। इसके पहले हमने 2 पार्ट पढ़े इस 9th की सीरीज में। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं ये वाला टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा क्या, मोमेंटम। ओके, और हम ये जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, एक प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी होता है। मोमेंटम के बारे में शुरू करते हैं, फर्स्ट टॉपिक हमारा। और कौन सी क्वांटिटी रहेगी, ये वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मतलब एक इसकी वैल्यू तो होगी होगी, जो भी होगी, 10, 20, 30 केजी मीटर पर सेकंड यूनिट्स देखेंगे हम उसकी। और दिशा भी बताता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक प्रकार से वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट होता है। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मोमेंटम ओरिजिनली बताता क्या। तो फर्स्ट पॉइंट देखें तो मोमेंटम मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड possessed by the body। क्या मेजर करता है ये? एक प्रकार की क्वांटिटी नंबर के फॉर्म में मेजर करता है कि जो भी बॉडी के पास क्या है, मोशन है, जो वो पोजेस करके रखी है, जो भी उसके पास मोशन है उसको वो क्या करता है, नंबर के फॉर्म में क्या करता है, वो एक प्रकार से एक्सप्रेस करता है। सेकंड देखें तो सेकंड वाला क्या आएगा, इसका डेफिनेशन आएगा। डेफिनेशन मतलब इसको निकालते कैसे है? इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, क्या है ये, एक प्रकार से मल्टीप्लीकेशन है, ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या है ये, प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी किसका, ऑफ दैट बॉडी। जिस भी बॉडी का हम मोमेंटम निकाल रहे हैं उसके मास और वेलोसिटी का क्या है, ये प्रोडक्ट है, ऑफ दी बॉडी या ऑफ दैट बॉडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जब इसका हम मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं, उस बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दे, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब इसका डायरेक्शन कहां रहता है, जिस दिशा में वेलोसिटी रहती है उसी दिशा में क्या रहता है, इसका डायरेक्शन रहता है, इसका मोमेंटम। तो समझ में आया, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा और डायरेक्शन कैसे निकलेगा। अब इसको एक्सप्रेस करें तो कैसे डिनोट करते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं। और क्या है, प्रोडक्ट है मास इंटू वेलोसिटी का, तो एम इंटू वी। ऐसे क्या कर लेंगे हम, मोमेंटम निकाल सकते। तो आपको क्वेश्चन दिया, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो और आपका क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। अब यूनिट्स की बात करें तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी। मास की यूनिट केजी होती है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड। ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड। ये क्या होगी, मोमेंटम की यूनिट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से यदि हम एक चीज देखें कि यदि किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो गई तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मास तो कभी भी किसी बॉडी का क्या हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। हाई लेवल में आप देखेंगे तो भले लाइट का मास जीरो रहता है बट फिर भी उसका मोमेंटम रहता है। वो चीज अभी आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, वो और, क्योंकि उसके पास एनर्जी रहती है। किसी भी चीज के पास एनर्जी रहेगी तो मोमेंटम भी रहेगा, वो थोड़ा और हाई लेवल चीज आती है, तो उसके बारे में लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यदि हम देखें, इफ ए
body is at v क्या होगा उसका जीरो होगा तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं देयरफोर जो p होगा उसका मोमेंटम वो क्या होगा जीरो होगा ऐसा क्यों क्योंकि जो मास है वो कभी जीरो नहीं हो सकता और वैसे भी v जीरो हो गया या m में से m भी जीरो हो गया मतलब दोनों में से कोई भी टर्म जीरो हो गई इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो मोमेंटम तो जीरो होगा बट मास किसी चीज का जीरो नहीं होता है बट एक एक्सेप्शनल केस आता है जो लाइट रहती है उसका मास जीरो होता है मगर उसके पास मोमेंटम होती है और एनर्जी होती है तो वो यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है बट वो होता है ऐसा कुछ केस होता है तो ये बेसिक लेवल की स्टडी के लिए सही है जो हम मोमेंटम अभी पढ़ रहे हैं ठीक है अब इसी से क्या करते हैं एक रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं देख तो लिया हमने क्या है वो ओके तो यही प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इनर्शिया के बारे में ठीक है तो ये क्वेश्चन है क्या बोल रहा है अ कार ऑफ मास 1000 kg एक कार है जिसका मास कितना है 1000 kg ओके ये मास है उसका वेट नहीं बता रहा याद रखिएगा जनरली हम रियल लाइफ में वेट चेक करते हैं चीजों का वो मशीन में रख के अ मास इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 km/h 72 km/h की स्पीड से मूव कर रही है वो कार ठीक है मगर हमें क्या करना है मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना पड़ेगा ठीक है फाइंड इट्स मोमेंटम क्या बोल रहा है उसका मोमेंटम निकालो ओके तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फर्स्ट हम क्या लिखेंगे गिवन वैल्यूज छोटा सा भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो गिवन लिख के करें जिससे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है और नंबर ज्यादा मिलता है तो क्या दिया हुआ है हमें बॉडी का मास दिया हुआ है और वो कितना है 1000 kg उसकी वेलोसिटी दी हुई है या स्पीड बोले मतलब एक ही होगा यहां पे क्योंकि डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे 72 km/h तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं 72 km को मीटर में करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आवर को सेकंड में करने के लिए 3600 एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं या इसको हम कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म जो रहता है 72 × 5/18 ये 1000 × 3600 करोगे तो 5/18 ही आता है तो यहां से कितना आ जाएगा इसको मीटर पर सेकंड में सॉल्व करेंगे तो 20 m/s क्या आ जाएगी उसकी स्पीड आ जाएगी अब यहां से क्या कर सकते हैं हम मोमेंटम निकाल सकते हैं तो मोमेंटम कॉमा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम इंटू वी अब एम देखें तो एम है 1000 और v कितना है 20 तो यहां से उसका मोमेंटम कितना आ जाएगा 20000 20000 यूनिट क्या होगी kg मीटर पर सेकेंड तो ये आ गया आंसर तो ऐसे ही आपको पूछेगा तो आप क्या कर सकते हैं यहां से मोमेंटम निकाल सकते हैं ओके आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मोमेंटम के बारे में हमने देखा छोटा सा सिंपल एकदम ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा न्यूटन्स की सेकंड लॉ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ के बारे में देखते हैं क्या होता है और ये क्या लॉ होती है आगे जाके तो आपको एकदम याद हो जाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट इन दैट डायरेक्शन मतलब किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज का रेट मतलब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम के दोनों में चेंजेस हो रहा है जिसको माइनस करके हम निकालते हैं और उसका रेट बोल रहा है मतलब टाइम से डिवाइड करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और वो किस दिशा में होता है जिस दिशा में फोर्स लग रही ठीक है तो स्टेटमेंट देखते हैं इसका और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि बहुत सारी जगह काम आएगी आपको आगे जाके आप कुछ भी चीज पढ़ेंगे तो आपको ये काम आएगी ही आएगी तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहे हैं इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम The rate of change of momentum of an object, किसी भी object का is directly proportional, directly
प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल होगा ये? टू दी फोर्थ बोल सकते हैं, या सही तरीके से लिखें तो इसको हम बोलेंगे टू दी अप्लाइड एक्सटर्नल, टू दी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, जो भी हम बाहरी फोर्स उसमें लगा रहे हैं उसके क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड टेक्स प्लेस, अभी उसके डायरेक्शन के बारे में बताएगा, टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन, उस दिशा में इसका चेंज होगा, इन विच एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, उसी दिशा में चेंज होगा जिस दिशा में क्या हुई है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई है, मोमेंटम. तो ये क्या है, सेकेंड लॉ की क्या है, स्टेटमेंट. ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम, इसका मैथमेटिकल वो देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे डिराइव करेंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें माननी पड़ेगी. तो लेट यू मानते हैं, यू क्या हो जाएगा अपनी इनिशियल वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वो कुछ वेलोसिटी से चल रही है. नेक्स्ट आएगा अपना क्या, वी. वी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी. कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो हम पहले से लिखते हैं कि ये चीज मान रहे, सीधा शुरू नहीं कर देते. वी क्या हो जाएगी हमारी, फाइनल वेलोसिटी. कोई एक बॉडी माने उसकी यू इनिशियल वेलोसिटी है और उसकी फाइनल वेलोसिटी है. ओके, और एक टर्म क्या मान रहे हैं हम, ए. ए क्या है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैसा है इसका, यूनिफॉर्म. ठीक है, और एक और टर्म अपनी क्या आएगी, टी क्या है, उसका टाइम है, और एम उसका क्या हो जाएगा, मास. ये कुछ टर्म एज्यूम करते हैं. ठीक है, ये एक बॉडी का इतनी सारी टर्म. ओके, अब यदि आगे देखें हम, तो बॉडी का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और फाइनल मोमेंटम भी होगा, मतलब एम यू और एम वी फाइनल मोमेंटम. ओके, तो फर्स्ट यदि हम देखें क्या इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बॉडी का, इनिशियल मोमेंटम कैसे डिनोट करते हैं, इसको P1 से डिनोट कर देते हैं, और वो क्या हो जाएगा, M और U उसकी इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल मोमेंटम देखें, इसको किससे डिनोट करेंगे, P2 से, और वो कितना हो जाएगा, M और V उसकी फाइनल वेलोसिटी. दोनों पोजीशन पे उसका मोमेंटम होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि चेंज क्या आ रहा है मोमेंटम में. तो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम, अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होगा. ओके, तो P2 माइनस P1, P2 कितना है अपना mv, और P1 कितना है mu, यही आया. ठीक है, अब m को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो v माइनस u हो जाएगा. ये हुआ. ठीक है, तो ये चेंज इन मोमेंटम आ गया. अब इसको हमें क्या करना है, टाइम के साथ करना है. अब लगाते हैं सेकंड लॉ. तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रही थी, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको देखेंगे तो फोर्स की बात करें, फोर्स यही अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एफ, वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है. तो रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का रेट बोल दिए तो उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय टाइम, यही क्या होता है उसका रेट होता है. तो इसी जगह में आप क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आया है हमारा, पी टू माइनस पी वन, मतलब एम वी माइनस यू. ओके, तो फोर्स कितनी आ जाएगी अपनी, एफ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, P2 माइनस P1, और बॉडी का टाइम क्या था, T. तो मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो M V माइनस U बाई T. ठीक है,
अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि ये टर्म बढ़ेगी तो ये टर्म भी इंक्रीज होगी, ये वाला नीचे वाली टर्म उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो वी माइनस यू बाय टी तो एक्सेलरेशन होता है, इसलिए हम क्या कर दिए यहां पे ए की वैल्यू पुट कर दी, ओके ये आ गया। अब यहां पे एक कांस्टेंट लेंगे, उसकी वैल्यू भले 1 हो जाएगी क्योंकि f is equal to ma ही मेन इक्वेशन होता है, तो k ma ये आ गया एक टर्म m a। अब यहां पे k की बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसको बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, हमेशा प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। Constant of proportionality, k की वैल्यू, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, एक डेफिनेशन आएगा, ये डेफिनेशन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ऐसा वो पूछता है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है हमारा, वन यूनिट ऑफ फोर्स, एक यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो, तो एक यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, वन यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज, इसकी वैल्यू एक आ रही है तो बाकी सब सब एक होंगे, एक मतलब एक यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी कि एक किलो मास का एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो वो वन यूनिट ऑफ फोर्स एक्सर्ट होगी उसमें, ठीक है। एक्सेलरेशन है मतलब उस चीजों की, वो चीज स्पीड हो रही है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं फोर्स लग रही है, तो इज डिफाइंड एज द अमाउंट दैट produces an acceleration, एक ऐसा अमाउंट है जो प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन किसका, ऑफ 1 meter पर सेकेंड स्क्वायर का, ये इतनी फोर्स होगी जो एक 1 meter पर सेकेंड स्क्वायर का क्या करेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी इन एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसे ऑब्जेक्ट में जिसका मास क्या होगा, 1 kg होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास, ठीक है। तो ऐसे जो रहता है कि 1 unit ऑफ फोर्स क्या होता है, ये सब डेफिनेशन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब चीजें पूछता है, ठीक है। इवन 12th में भी ये सब चीजों का जब ऐसा वाला आता है तो वहां पे ऐसे वाले डेरिवेशन डेफिनेशन पूछता है वो, ठीक है। तो ये हुआ, तो अब जब सबकी वैल्यू 1 हो गई तो k क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, आगे चलते हैं, ये चीज तो पूरी आपको दिख रही है, कैसे k की वैल्यू 1 होगी वो देखते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 unit ऑफ फोर्स कितना होगा, ये f की यूनिट है, 1 f इक्वल टू क्या होगा, k इंटू एक्सेलरेशन आएगा, पहले मास लिखते क्या, बिल्कुल पहले मास लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो, 1 kg और उसके बाद आएगा एक्सेलरेशन इंटू, एक्सेलरेशन कितने का है यहां पे, 1 meter पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो यहां से अपने को क्या मिला, k की वैल्यू 1 मिल गई, वैसे भी k की वैल्यू कुछ वहां पे ज्यादा रहती नहीं है, k आ गया हमारा 1, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो 1 आ गया। तो यहां से अपने को इक्वेशन क्या मिली, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू एम ए, यही क्या रहती है, न्यूटन की सेकेंड लॉ रहती है, और ये भयंकर यूज होती है आगे जाके, जब आप इसको सही तरीके से मैकेनिक्स पढ़ेंगे या कोई भी चीजें पढ़ेंगे तो ये बहुत यूज होती है। यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या होती है, न्यूटन होती है, जब नंबर वर्ड्स में लिखते हैं तो एन छोटा लिखते हैं, तो कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स की यूनिट एन न्यूटन, कौन सी है ये, ऐसा ही यूनिट, अभी लग रहा है कि सब तो ऐसा ही रहता है, बट आगे जाके क्या होगा, चेंज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका कन्वर्जन देखते हैं और दूसरा दूसरा वाला, क्योंकि आपको कभी कभी डाइन में भी पूछ देता है। तो एक न्यूटन यदि हम देखें कि न्यूटन कितना होता है, तो मास की यूनिट क्या हो गई, केजी, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक यूनिट न्यूटन किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, ये चीज याद रखिए क्योंकि बहुत यूज होती है ये,
विस्कोसिटी की यूनिट्स में भी बहुत यूज होती है, मतलब जहां भी फोर्स आ रही है वहां पे ये सारी चीजें यूज होती है कि न्यूटन कितना होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो कि ऊपर केजी है और मीटर है और डिवाइड में क्या है, सेकंड स्क्वायर है ऐसा। ओके, और एक यूनिट देखते हैं नेक्स्ट। यदि इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, यदि फोर्स क्या हो गई, जीरो हो गई, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जरूर देयरफॉर जरूर एक्सेलरेशन जीरो होगा, तभी फोर्स जीरो हो रही है। क्यों? क्योंकि मास तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, बिकॉज मास कैसे जीरो हो जाएगा, बिकॉज जो मास है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तो यदि फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अब एक यूनिट और पूछते हैं डाइन में। ये सीजीएस यूनिट होती है फोर्स डाइन, ठीक है। तो एक डाइन कितना होता है, 1/10^5 न्यूटन, या इसको हम बोलेंगे तो क्या होगा, 10^-5 न्यूटन होता है एक डाइन। तो ये क्या हो गई, फोर्स की एक यूनिट हो गई। कौन सी यूनिट होती है, ये सीजीएस यूनिट होती है। सीजीएस यूनिट में फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं वहां पर जनरली। तो ये था न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में पूरी चीजें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन आप देखते होंगे मैक्सिमम जगहों में, बट इसको ना समझ नहीं पाते होंगे आप बहुत सारी जगहों में। फर्स्ट देखते हैं ए क्रिकेट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। फर्स्ट वाला क्या है, अ क्रिकेट प्लेयर और अ फील्डर, एक जो फील्डर रहता है जो फील्डिंग करते रहता है, मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स, वो क्या करता है, अपने हाथ को बैकवर्ड मूव करता है। कब, वाइल कैचिंग ए फास्ट क्रिकेट बॉल। जब भी आप देखे होंगे क्रिकेटर्स लोग क्या करते हैं, बॉल आते रहती है तो उसको उन लोग ऐसे कैच करते हैं, हमेशा ऐसे करके, ऐसे भी आते रहती है तो उसको उन लोग ऐसे कैच करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ के कारण, ताकि वो क्या कर ले, उसका थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर पाए उसका जो मोमेंटम है वो, इसलिए। तो यही क्या रहता है, उसका वो रहता है, क्योंकि वो अचानक से यदि ऐसा ही करके स्ट्रेट करके रखेंगे तो बॉल आके टकरा के किसी दूसरी दिशा में चल देगी, तो इसलिए उन लोग ऐसे एब्जॉर्ब करते हैं पूरा उसका वो। दूसरा सेकंड देखें तो ड्यूरिंग एथलीट मीट, मतलब ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं ये, एथलीट्स डूइंग हाई जंप एंड लॉन्ग जंप, जो एथलीट्स क्या करते हैं, हाई जंप करते हैं, आप देखे होंगे हाई जंप और लॉन्ग जंप करते हैं, लैंड ऑन ए फोम और हीप ऑफ सैंड, क्या करते हैं वो, किसी फोम में लैंड करते हैं और हीप ऑफ सैंड में लैंड करते हैं। ये तो लॉजिकली समझ में आता है कि कहीं भी गिरेंगे तो बहुत जोर से लगेगा उनको, तो वही अपना मोमेंटम कम करने के लिए, ताकि वो एब्जॉर्ब करे सैंड, उनको लगे ना। टू डिक्रीज द फोर्स ऑफ द बॉडी एंड लैंडिंग इज कंफर्टेबल, जो फोर्स लगाएगी बॉडी जमीन में उससे क्या होगा, जमीन को तो कुछ नहीं होगा, शरीर ही टूटेगा, तो इसलिए उन लोग सैंड में या एक फोम वाला गद्दा रहता है उसमें कूदते हैं, ताकि उन लोगों का थोड़ा सा मोमेंटम कम हो। तो ये सब क्या है, सेकंड लॉ के क्या है, हमारे एप्लीकेशन। ओके, इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम एक टॉपिक और पढ़ना है इक्वेशन वाला, फर्स्ट लॉ के हिसाब से, और उसके बाद हम क्या करने लग जाएंगे, इस टॉपिक से सेकंड लॉ से न्यूमेरिकल बनाने लग जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।